नमस्कार देवियों और सज्जनों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं, गेमिंग रिव्यू करने वाले हैं Realme Narzo 30 Pro 5G का, जो आता है दमदार चिपसेट MediaTek Dimensity 800U के साथ। ये गेमिंग रिव्यू वीडियो है तो इसमें हम ढेर सारे गेम्स कवर करेंगे, हाई ग्राफिक्स गेम्स कवर करेंगे, ऑनलाइन गेम्स होंगे, बैटल रॉयल होगा और कुछ हाई पेस्ड गेम के साथ हम देखेंगे इस चिपसेट की परफॉर्मेंस कैसी है। गेम्स के बारे में बात करने से पहले अगर मैं डिजाइन की बात करूं तो ये सॉर्ट ब्लैक डिजाइन है, जिसकी वजह से आपको एक क्लासिक लुक देखने को मिलता है। साथ में आता है सुपर फास्ट साइड फिंगरप्रिंट सेंसर, 48 मेगापिक्सल AI ट्रिपल कैमरा, टाइप सी चार्जिंग स्लॉट है और 6.5 इंच यानी 16.51 सेंटीमीटर की फुल HD+ डिस्प्ले है। डिस्प्ले की एक और फीचर है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब अगर गेमिंग रिव्यू है, एंड्रॉइड फोन है और गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करने वाले हैं तो वहां पे कॉल ऑफ ड्यूटी की बात ना हो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ना ये सिर्फ एक ऑनलाइन गेम है बल्कि बैटल रॉयल, एक्शन गेम्स, शूटिंग गेम, हाई पेस्ड गेम, इन सबको फॉलो करता है। अब अगर बात हो रही है बैटल रॉयल गेम की, यानी ऑनलाइन गेम की, यानी मल्टीप्लेयर गेम की, तो वहां पे आपके फोन में एक दमदार चिप का होना बहुत जरूरी है। जब आप ऐसे गेम्स खेल रहे होते हो जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी मल्टीप्लेयर, तो वहां पे बहुत सारे प्रोसेस एक साथ रन करते हैं और इन सबको हैंडल करने में कहीं से भी अगर दिक्कत हुई तो फिर आपको गेम प्ले में स्टटरिंग या फिर लैग देखने को मिलता है। फिलहाल अगर हम बात करें Realme Narzo 30 Pro के बारे में तो ये आता है MediaTek के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी Dimensity 800U 5G प्रोसेसर के साथ। और अगर बात करें बैटल रॉयल मल्टीप्लेयर की तो वहां पे आपके गेम के कैरेक्टर को ना सिर्फ अपने एनवायरमेंट के साथ सिंक करना होता है बल्कि वो प्लेयर्स यानी वो ऑनलाइन प्लेयर जिनके साथ आप कनेक्टेड हो उनके साथ भी सिंक करके आपको आगे बढ़ना होता है। और अगर वहां पे आपके चिपसेट ने आपको धोखा दिया तो फिर आपको फ्रेम ड्रॉप देखने को मिलता है। लेकिन ऑनलाइन गेम में, बैटल रॉयल गेम में, आप फ्रेम रेट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, क्योंकि आपके सामने वाला प्लेयर आपका वेट नहीं करेगा, आप कुछ समझ पाएंगे उससे पहले ही गेम ओवर। फिलहाल कॉल ऑफ ड्यूटी के मल्टीप्लेयर मोड में और फ्री फायर के बैटल रॉयल गेम प्ले में हमें कहीं भी कोई स्टटरिंग या लैग देखने को नहीं मिला, गेम प्ले बहुत स्मूथ था और बिना किसी फ्रेम ड्रॉप के। अब अगर हम यहाँ पे सेटिंग्स की बात करें तो मीडियम ग्राफिक क्वालिटी पे और हाई फ्रेम रेट पे हमने इसको खेला है। हाई पेस्ट गेम्स के सबसे बेस्ट एग्जांपल होते हैं रेसिंग गेम्स। आप यहाँ पे जो गेम प्ले देख रहे हैं ये Asphalt 9 और नीड फॉर स्पीड नो लिमिट्स का है। डिस्प्ले की जिस फीचर के बारे में हम बात करने वाले थे वो यही है। Realme Narzo 30 Pro 5G आता है अल्ट्रा फास्ट 120Hz डिस्प्ले के साथ, जहां मिलता है आपको स्मूथेस्ट विजुअल्स। किसी भी गेम में, कोई भी गेम आप खेल रहे हो और वहां पे होल पंच कैमरा को आप हाइड करना चाहते हो या फिर उसके साथ गेम प्ले कंटिन्यू करना चाहते हो, ये पूरी सेटिंग्स आप कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे आप एक ही गेम के दो सीन देख रहे हो जो सेम है, फर्क सिर्फ इतना है कि एक सीन में होल पंच कैमरा हाइड है और दूसरे में उसके साथ हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ये गेम प्ले आपने देखा मीडियम सेटिंग्स पे 30 FPS के साथ। क्या होगा अगर हम इसको बढ़ा के अल्ट्रा हाई सेटिंग्स और 60 FPS पे लेके जाते हैं तो? और यहां भी हमें कोई लैग, स्टटरिंग या फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिला। गेमिंग रिव्यू हो और गेम स्पेस की बात ना करें तो ये अधूरा रह जाएगा। आपके डिवाइस में जो भी गेम्स होते हैं, जितने गेम्स आपने इंस्टॉल कर रखे हैं, वो सब आप यहां पे एक जगह देख सकते हो। और जैसे ही कोई गेम आप ओपन करते हो वैसे ही आपके डिवाइस को ऑप्टिमाइज करके आपको मैक्सिमम मेमोरी पहुंचाता है ताकि आप स्मूथ गेम प्ले का मजा ले सको। साथ ही आपका फोन और कितनी देर रन कर सकता है, सिग्नल स्ट्रेंथ कैसा है, ये सारी डिटेल भी आप यहीं देख सकते हो। इस फोन के नाम में 5G यूं ही नहीं जुड़ा है, 5G प्लस 5G डुअल सिम डुअल स्टैंडबाय आपको मिलता है, यानी कभी किसी भी ऑनलाइन गेम में आपको नेटवर्क की वजह से कोई दिक्कत नहीं आएगी। किसी भी गेम में गेम स्पेस को एक्सेस करने के लिए आप लेफ्ट या राइट कॉर्नर से स्वाइप करते हो और यहां से बहुत ही आसानी से आप मैसेंजर, व्हाट्सएप, नोटिफिकेशंस, ये हर चीज कंट्रोल कर सकते हो। CPU, GPU कितना यूज हो रहा है, आपका गेम कितने FPS पर रन कर रहा है, ये हर चीज आप यहां देख सकते हो। आपको स्क्रीनशॉट लेना हो या फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी हो, ये फीचर खास तौर पे गेमर्स के लिए होता है, तो आप वो भी यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। एक कॉल ऑफ ड्यूटी की गेम प्ले रिकॉर्ड करके मैं आपको दिखाऊंगा आगे। यहाँ पे हम अपने वीडियो के समापन की ओर बढ़ चले हैं तो कुछ जरूरी बातें हैं जो आपसे करना चाहता हूँ। Realme Narzo 30 Pro आता है 5000mAh बैटरी के साथ और 30W डार्ट चार्ज के साथ आप अपने डिवाइस को गेम प्ले के दौरान भी चार्ज कर सकते हो, वो ओवरहीट नहीं होगा। Realme Narzo 30 Pro 5G अवेलेबल होगा दो वेरिएंट में, 6GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ और 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ। अब मैं वीडियो के एंड में आपको एक क्लिप दिखाता हूं जो इसी फोन में रिकॉर्ड किया गया है।
ये कॉल ऑफ ड्यूटी मल्टीप्लेयर गेम प्ले है। यहाँ गेम को सिर्फ खेला नहीं गया है, रिकॉर्ड भी किया गया है 1080p में और बिना किसी लैग स्टटरिंग या फ्रेम ड्रॉप के। तो इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मीडियाटेक डायमेंसिटी 800U कितना दमदार है। एक चीज जो मैंने नोटिस की यहाँ पे वो ये है कि अगर आप हैवी और नॉन स्टॉप गेमिंग करते हो तभी भी आपका डिवाइस ओवरहीट नहीं होता। ओवरऑल अगर बात करूं तो यहाँ पे आपको स्मूथ ऐप ट्रांजिशन मिलता है सीमलेस गेमिंग एक्सपीरियंस के साथ। Realme Narzo 30 Pro अब तक का सबसे बेस्ट बजट 5G फोन है इंडिया में। ओवरऑल इसमें हमने मल्टीप्लेयर गेम्स, बैटल रॉयल, शूटिंग गेम्स, रेसिंग गेम्स ये सारे ट्राई किए हैं। यहाँ हमने देखा पावरफुल प्रोसेसिंग स्पीड स्मूथ गेम प्ले के साथ। तो ये थी हमारी वीडियो Realme Narzo 30 Pro 5G के ऊपर जो पावर्ड है MediaTek Dimensity 800U चिपसेट के साथ। बाकी डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी और वीडियो अपलोड होने के एक घंटे के अंदर जो भी कमेंट्स आप करने वाले हो, जो भी आप सवाल पूछने वाले हो, उन सबका रिप्लाई मैं करूंगा। थैंक यू सो मच वीडियो वॉच करने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।